जरा सोचिए, एक देशद्रोह का आरोपी जो तिहाड़ जेल से बेल पे निकला हो, उसे आप क्या कहेंगे? देश का नायक या खलनायक? जरा सोचिए, जो गरीबी के खिलाफ तो लड़ता है केवल भाषणों से, और उन 60 साल पुराने कांग्रेस और 34 साल पुराने लेफ्ट के खिलाफ एक शब्द नहीं निकालता, जिन्होंने देश को सिवाय गरीबी और भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया, और सिर्फ 2 साल पुरानी सरकार के सिर पर देश की सभी समस्याओं का टोकरा डाल देता है, तो ऐसे धर्मवीर को आप क्या कहेंगे? एंटी गरीबी या एंटी मोदी? जरा सोचिए, जिसे हमारी सेक्युलर मीडिया मासूम, गरीब और निर्दोष प्रोजेक्ट करती है, पर जिसका केस अफजल, याकूब, इशरत जैसे आतंकवादियों का केस लड़ने वाले पर सेशन 5-5 लाख रुपए लेने वाले वकील लड़ रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? मासूम छात्र या आतंकवादियों का दलाल? जरा सोचिए, जो देश के रक्षकों के घर तो कभी कैमरा लेकर नहीं गया, पर एक देशद्रोही के साथ सेल्फी खिंचवाने आधी रात को चले जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? प्रेस या प्रेस्टिट्यूट? जरा सोचिए, जो भारतीय सब्सिडी पर पलता स्टूडेंट होकर आतंकवादियों की बरसी मनाने, भारत के टुकड़े करने, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कश्मीर से भाड़े के नारेबाज लेकर आता है, तो उस घटना को आप क्या कहेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया? जरा सोचिए, जिसे कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाकर, युवा समझकर 6 महीने के लिए वार्निंग देकर रिहा किया है, वो रिहा होने के 2 घंटे में ही वापस अपनी औकात पर आ जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? संवेदनशील या ढीठ? जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कन्हैया हो या उमर खालिद। उन आतंकवादियों को तो हमारे सैनिक गोली से भी उड़ा सकते हैं, पर इन कायर बौद्धिक आतंकवादियों पर सवाल उठाने से भी बवाल उठ जाता है। तो जरा सोचिए, इस बरखा के लाल, केजरू के प्यार और लेफ्टी के दुलारे और कांग्रेस के लल्लन ने भारत माता को गाली जेएनयू के बाहर आपके सामने दी होती, तो उसके साथ आप क्या करते? जरा सोचिए।